पहली बात। पहली बात पहली बात तो ये कि ये मेरा दूसरा वीडियो है। और दूसरी, एलेक्सा टेल मी सम स्टेप्स टू किल दिस पानी के बताशे वाला। आफ्टर मेकिंग माई फर्स्ट एपिसोड आई वेंट इन अ शादी एंड आई एंजॉयड अ लॉट। पर बात वो नहीं है, बात एक्चुअली ये है कि आफ्टर कमिंग बैक टू होम आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज दैट आई हैड क्रिएटेड एट दैट स्पैन ऑफ टाइम। और इट मेड मी रियलाइज वन थिंग कि वी डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। मतलब आप खुद ही गौर करें, आप अपनी जिंदगी में कितने लोगों से मिलते हैं। सम गेट्स क्लोज टू यू, विद सम यू क्रिएट मेमोरीज एंड सम स्टेज फॉर एवर। वैसे ही साल भी मैं कई नए लोगों से मिली, कुछ काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए और कुछ इतने करीब हो गए कि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इनसे मिलूंगी और ये इतने करीब हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे स्कूल लाइफ में भी मेरे साथ हुआ, मतलब मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग मेरे दोस्त बनेंगे या इस स्कूल में मेरा एडमिशन होगा और मतलब मेरी इतनी अच्छी दोस्ती होगी इन सबसे। पर आज जब सारे अलग हो गए तो बहुत याद आती है। और इसी तरह कितनों से ही हम लोग अलग हो जाते हैं, मतलब जिनके साथ आपने कभी सोचा था कि यार इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी निभने वाली है और हम लोग साथ में रहेंगे, तो दे जस्ट गेट सेपरेट अनएक्सपेक्टेडली, आइदर बिकॉज ऑफ सिचुएशन या कुछ ही वजह से भी वो अलग हो जाते हैं, तो इट हर्ट समटाइम्स। मगर लोगों से मिलने में एक फ़ायदा तो ज़रूर है, यू आइदर क्रिएट मेमोरीज और यू गेट एक्सपीरियंसेस, है ना, है ना। तो किसी से भी मिलना ना वेस्ट नहीं जाता, चाहे आप कहीं मिले, चाहे आप स्कूल में मिले या आप कहीं घूमने जा रहे हो तब मिले किसी भी इंसान से, या आप इंस्टा पे मिले या आप सोशल मीडिया पे किसी से मिले, तो कभी किसी से वेस्ट नहीं जाता। स्पेशली आई नेवर रिग्रेट मीटिंग पीपल, बिकॉज सम हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी दे जस्ट टीच यू समथिंग, वो कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाते हैं, तो दैट्स मैटर्स द मोस्ट। और इसी वजह से जब कोई मुझसे दूर जाता है और आई सम हाउ लूज समवन, चाहे मेरी से लड़ाई हो गई हो या किसी वजह से भी कोई मुझसे अलग हो जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई वैल्यू पीपल आई मीट, आई वैल्यू द इमोशंस द मेमोरीज आई हैव क्रिएटेड। वेल दैट शादी में जाना जस्ट मेड मी रियलाइज कि ये जितने भी लोग हैं मेरे पास, चाहे वो मेरे दोस्त हो या मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, ये जितने भी लोग हैं मेरे पास आर ब्लेसिंग्स फॉर मी। तो चाहे जितना भी मैं बिजी हो जाऊँ या जितना भी यू नो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त ना हो, उसके बावजूद आई टेक माई टाइम आउट जस्ट टू क्रिएट मेमोरीज विद माई लव्ड वंस। तो हाँ, sometimes you meet someone and it is so clear that the two of you on some level belong together, as lover or as friends or as family or as something entirely different. You meet these people throughout your life out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don't know if that makes me believe in coincidences or fate or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something.